नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। अरे अरे, जी हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने आज से एक साल पहले ये वीडियो बनाया था, जहाँ पर हमने इनके ओवर द टॉप एक्शन और इनकी मसाला फिल्मों के चलते नंदमुरी बालाकृष्णा को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। साथ ही साथ इनके अक्खड़पने रवैये पर भी चर्चा करी थी और ये सवाल भी उठाया था कि फैंस आखिर क्यों इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। 62 साल की उम्र है, हर फिल्म में वही दर्जनों एंट्री सीक्वेंस, स्लो मोशन में एक्शन, ओवर द टॉप एक्शन और फिजिक्स को रेस्ट इन पीस के सफर पर छोड़ के आने वाला एक्शन, फिर भी फैन फॉलोइंग जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, पिछले दिनों संक्रांति के वीकेंड पर साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुई। थलापति विजय की वारिसु, अजीत कुमार की थुनिवु, मेगा स्टार चिरंजीवी और रवि तेजा की वल्टायर वीरैया और नंदमुरी बालाकृष्णा की वीरा सिम्बा रेड्डी। अगर कोई फिल्म कंटेंट के हिसाब से सबसे कमजोर थी तो वो थी वीरा सिम्बा रेड्डी, और अगर कोई फिल्म जिसने सबसे तगड़ी ओपनिंग पाई तो वो भी थी वीरा सिम्बा रेड्डी। ये है नंदमुरी बालाकृष्णा यानी कि अपने भलैया बाबू का पावर। दोस्तों, अकंडा के पहले तक मेरे विचार इनके प्रति अच्छे नहीं थे। इवन इनका सोशल बिहेवियर भी इतना रूड जितना शायद ही किसी साउथ एक्टर का होगा। अपने सलमान भाई भी बालाकृष्णा के एंगर के आगे बहुत पीछे हैं। बालाकृष्णा कभी भी अपने फैंस को थप्पड़ जड़ देते हैं, कभी प्रोड्यूसर को गोली मारकर जेल चले जाते हैं, और कभी तो इनका इतना खौफ बन जाता है कि प्रोड्यूसर विदेश ही भाग जाते हैं। ऐसा बिहेवियर किसी और हीरो का हो तो लोग उसे बायकॉट ही कर देते हैं, मगर यहाँ फैंस तो इनके गुस्से को भी अपना प्यार समझते हैं। दोस्तों, हमने डिटेल में इस वीडियो में चर्चा किया है। दोस्तों, बालाकृष्णा को लेकर ये भी मशहूर है कि ये एक साफ दिल के इंसान हैं, बनावटी नहीं हैं, थोड़े गुस्सैल जरूर हैं, मगर लोगों के हित के साथ जुड़े रहते हैं और प्रदेश की समस्याओं पर सभी का साथ देते हैं, इसलिए इनके चाहने वालों की संख्या बहुत लंबी है। इनके बारे में एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये था कि बीइंग अ टॉप एंड हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 90s, इनके पास कई सारे कमर्शियल एड्स के ऑफर थे, मगर इन्होंने कभी किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं किया, क्योंकि ये अपने फैंस को किसी हानिकारक प्रोडक्ट के लिए इनकरेज नहीं करना चाहते थे और साथ ही साथ किसी ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे जिसका असल में कोई फायदा ही ना हो। खैर, अखंडा के पहले तक मैं इन्हें पसंद नहीं करता था, मगर अखंडा के बाद और इनके स्टाइल को जानने के बाद कल मैंने सीरियसली बड़े पर्दे पर इनको एंजॉय किया। दोस्तों, अखंडा नंदमुरी बालाकृष्णा की ओनली फिल्म है जिसको मैंने देखा है, और थिएटर में जाने से पहले आपको भी ये जानना जरूरी है कि बालाकृष्णा कौन है और वे किस लिए फेमस हैं। अगर ये जानने के बाद आपको उनका जॉनर पसंद आता है तो जी हाँ, अखंडा आपके लिए है और आप रेडी हो एक डिवाइन एक्शन पैक ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने के लिए। दोस्तों, फिल्म में जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो था नंदमुरी बालाकृष्णा का प्रेजेंटेशन। अखंडा मानो जैसे बालाकृष्णा को सेलिब्रेट कर रही हो। वैसे एक फिल्म में हीरो की एक बार एंट्री होती है, मगर यहाँ भाई साहब नंदमुरी बालाकृष्णा डबल रोल में हैं, यानी कि दो तगड़ी एंट्री सीक्वेंस तो पक्के ही हैं, साथ ही साथ इसके अलावा 7 से 8 एंट्री शॉट्स और हैं जो देखने में गूजबम आते हैं। खासकर अखंडा का जो लुक डिजाइन किया गया है वो बहुत इंप्रेसिव है। माथे पर चंदन, लाल टीका, रुद्राक्ष की मालाएं, सफेद दाढ़ी और ताव देने वाली मुझे। अखंडा जो आज से एक साल पहले इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, डेफिनेटली उसमें नंदमुरी बालाकृष्णा एज अ अघोरा वाले रोल की वजह से ही हुई थी। भाई साहब, नंदमुरी बालाकृष्णा का स्क्रीन प्रेजेंस देखो, जब भी वे बड़े पर्दे पर नजर आते हैं एक अलग ही वाइब्रेशन फील होता है। आंखें तो इतनी पावरफुल है ही, साथ ही साथ चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उसे देखकर लगता है कि ये जो 10-10 लोगों को उठा के एक साथ फेंक रहे हैं वो सही ही होगा। डायलॉग डिलीवरी काफी तगड़ी है और हिंदी डबिंग भी बेहतरीन हुई है। एक्शन सीक्वेंस शानदार, साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बाप रे बाप। एस थमन ने वो बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया है जो अखंडा को एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बना जाता है। डेफिनेटली इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहिए। फर्स्ट हाफ को तो ठीक ठाक कहेंगे, लेकिन इंटरवल के बाद से ये फिल्म जो पिकअप पकड़ती है मानो पर्दा फाड़ दे। दोस्तों, बोयापति श्रीनु का डायरेक्शन कमाल है और कहानी भी कमाल की लिखी है। स्पेशली हिंदू कल्चर और सनातन संस्कृति को जिस तरह से पूरी फिल्म के दौरान दिखाया गया है वो फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। बड़े पर्दे पर हिंदू संस्कृति और भगवान शिव की महिमा का वर्णन होना हमारे अंदर गूजबम्स ला देता है। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा बन रहा है और मेकर्स ने इसे हिंदी में रिलीज करने का डिसीजन अच्छा ही लिया है। दोस्तों, फिल्म में बहुत सारे डिवाइन शॉट्स हैं। एक चक्र वाला सीक्वेंस है, नंदी का एक्शन सीक्वेंस है, साथ ही साथ शिव तांडव भी है। बहुत कुछ सेकंड हाफ में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो अखंडा को देखने का एक्सपीरियंस हमारा डबल कर देता है। इसे आप थिएटर्स में एक बार जरूर से जरूर देखें। दोस्तों, इस फिल्म में कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। अगर आपको मास मसाला फिल्में पसंद नहीं है तो फर्स्ट हाफ में ये फिल्म थोड़ी खींची हुई महसूस हो सकती है।
दोस्तों अघोरा की एंट्री ऑलमोस्ट इंटरवल तक होती है और उनकी एंट्री तक मैं थोड़ा बोर हो रहा था। फिल्म के गानों को भी काटा जा सकता था जिससे इस फिल्म की लेंथ कम हो सकती थी। ये फिल्म 2 घंटे 48 मिनट की है जो अपने फर्स्ट हाफ में खींची हुई लगती है। दोस्तों बाला कृष्णा का फर्स्ट हाफ में जो लव एंगल दिखाया गया है और जो स्टोरी बिल्डअप है आई नो वो जरूरी था, मगर स्क्रीन पर अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ डांस करते हुए देखना थोड़ा अखड़ता जरूर है। हालांकि सेकंड हाफ में ये फिल्म नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और हमें कहीं पर भी शिकायत का मौका नहीं देती। अखंडा डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है और जो भगवान शिव के भक्त हैं उनको तो ये फिल्म जरूर से जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था अखंडा फिल्म पर हमारा ये ओपिनियन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।